मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर स्वाट सर्विलांस एसओजी व थाना कछवा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार व बाइक सवार आधा दर्जन अभियुक्तों चंद्रमणि उर्फ डब्लू, इमरान अली पुत्र करीमुल्ला, फिरोज अहमद, आशुतोष उर्फ प्रिंस, राहुल कुमार मिश्र, एक बाल अपचारी को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से सेंट्रो कार व i20 में पैकेटों में रखा कुल 100 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना कछवा पर मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की गई तथा गंगाजा परिवहन में प्रयुक्त दोनों कार व बाइकों को 207 MB एक्ट में सीज किया गया। पकड़े गए अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल लिया गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ, खासकर जो नशे के अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके तहत मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गांजा तस्करी करने वाला एक गैंग, उसको बस्ट किया गया है। टोटल 100 kg के ऊपर गांजा पकड़ा गया है। अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए का गांजा एवं उसमें प्रयुक्त वाहन वो बरामद किए गए हैं। गांजा तस्करी के लिए ये लोग दो गाड़ियां सेंट्रो i20 इसका इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन 6 अभियुक्त के साथ में 100 kg गांजा के साथ में ये सभी वाहन भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि जनपद मिर्जापुर एवं निकटवर्ती जो जनपद है उनके आसपास के एरिया में इनका वर्किंग था। बिहार से ये गांजा लेके आते थे और आसपास के बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं आसपास के जनपदों में इसको बेचते थे। इस गैंग पे फर्दर कार्रवाई और भी की जा रही है। सराहनीय कार्रवाई करने वाली हमारी थाना कछवा एवं एसओजी टीम को 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और ऐसे जो नशे में जो डील करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मिर्जापुर में लगातार अभियान चलता रहेगा और इन सबको पकड़ के जेल भेजने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट लगा के इनके अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है वो भी कुर्क की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।